मैं एक शहरी हूँ, आपसे कुछ कहने आया हूँ। तुम अंदर कैसे आए? गार्ड्स कहाँ हैं? गार्ड्स सब मौजूद हैं। रात के इस पहर? आपकी पूरी तवज्जो चाहिए थी, इसलिए। तुम कोई हफ्ती पागल इंसान तो नहीं हो? जानते हो इस वक्त मेरे घर में घुस के इस तरह की बात करने का नतीजा क्या होगा? और तुम जानते हो कि अगर तुम अपना काम ठीक तरह से नहीं करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? तो मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम्हारी जगह किसी और को ये काम सौंप दूंगा। जाहिर है, जब कोई मुलाजिम ठीक तरह से अपना काम नहीं करेगा तो मालिक उसे हटा देगा। मिस्टर मालिक, कल जब तुम्हें थाने में जूते पड़ेंगे उस वक्त तुम्हें अपनी और मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि मालिक कौन है। और अपनी ताकत पर घमंड ना करो, बल्कि उस ताकत को इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। ये मुल्क तुम्हारे बगैर भी सब कुछ है, तुम इस मुल्क के बगैर कुछ नहीं हो। यह लिस्ट है उन केसेस की जो तुमने सालों से अपने घटिया फायदे के लिए लटका कर रखे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उन केसेस का फैसला करो, जो भी फैसला करो लेकिन करो। और आज से तमाम फैसले ठीक ठीक टाइम पे करो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। मैं मोहम्मद मोहसिन, मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे हैं। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा खा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी जुबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी इसका मालिक इसकी बका का हतमी शामिल हूँ। तेरा दर्द आजमा तू, ये मकान घर बना तू, तेरे घर का है दिया खुद जला तू। ठीक है।
पे हो हमजा? एट बस यार्ड से आ रहा हूँ, टावर से थोड़ा आगे पहुँच। अच्छा ठीक है बेटा, वो जाहिद एंटरप्राइजेस की फाइल आपके पास है? हाँ जी मेरे पास ही है, मैं बस जिम जा रहा हूँ। अच्छा बेटा आज जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा? पता नहीं डैड की बाइक वाला खुद ही शोर मचा रहा है। हमजा क्या हो रहा है, आप हो का यार? तेरे बाप की तरह के हमजों की तरह गाड़ी चला रहा है। हमजा ऐसे होते हैं अब के, वो किसी करीबी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं, या कभी कभी गाड़ी ले जाते हैं, मोबाइल फोन स्नैच कर लेते हैं। हो सकता है अभी थोड़ी देर में हमसे आपको कॉल कर ले। हेलो अल्ताफ, क्या हुआ है? वो हमजा को ले गए। आपको मैंने 10 दफा कहा है, इस मुल्क में नहीं रहना मुझे, ये जंगल है। This is a lawless jungle। लेकिन आपको सिवाय अपनी बिजनेस के किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, किसी में भी नहीं। पैसा पैसा पैसा, अब खरीद के दे मुझे मेरा बेटा। पता नहीं मेरा हमजा किस हाल में होगा, ठीक होगा नहीं। Calm down, it is so easy for you to say that. Calm down. He's a part of my blood and flesh. You understand that? I can't breathe. नहीं करना मुझे सबर, नहीं करना मुझे सबर। और आप पुलिस के पास गए थे? क्या कर लेगी पुलिस? मुझे जवाब दे, क्या करेगी पुलिस? हम सिर्फ पैसे देंगे और अपने बच्चे को वापस लेकर आएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। Do you hear me? मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगी। मुझे मालिक से मिलना। अपने पीछे देखिए, मैं कुछ समझा नहीं। बहुत अरसा मैं भी नहीं समझा था। आप बताएं, हाउ कैन वी हेल्प यू? मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया, बस एक ही औलाद है मेरी। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां मर जाएगी। प्लीज मेरा बेटा मुझे दिला दीजिए। हम आपका बेटा वापस ले आएंगे, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी। शमशेर सिंह अपनी जिंदगी हमजा की जिंदगी के लिए क्यों खतरे में डाले? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, जितने पैसे चाहिए मैं पैसे देने को तैयार हूं। शेख साहब, अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना, तो मैं भी किसी को ले आता। फिर क्या चाहिए आपको? आंख के बदले आंख शेख साहब, कमिटमेंट, ओनरशिप, ये कि कल जब किसी दूसरे पाकिस्तानी को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप भी उसके लिए वही सब कुछ करेंगे जो हम आपके लिए करेंगे। जब कभी मेरा टाइम आएगा आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे।
डिफरेंट, वी वांट ऑल द फ्रेंड्स एविडेंसेस, और अगर गाड़ी की स्पेयर कीज है तो वो काइंडली मंगवा लें। हां जी है। नहीं छोटू, यस सर, आई नीड थ्री टीम्स सर। एक गाड़ी को एक्सट्रैक्ट करेगी, राइट, दूसरी ग्राउंड पे फॉलो करे, राइट, और तीसरी एयर से उसकी टेल को स्पॉट करेगी। ओके सर। ओके राइट। तस्वीर इतनी मीठी है तो खुद कैसी होगी, तू बता दे, तूने तो चखी होगी। घूरता किसको है बे? कल इसको भी लेके आता हूं। हाथ बांध इसके। हाँ सेठ, सामान तैयार है, बहुत बड़ी गेम है, 50 लाख लूंगा। अल्ताफ का बेटा है तू, ले आओ इस लड़के को। मैं आपको कुछ फिंगरप्रिंट्स और CNICs भेज रहा हूँ। यू हैव टू एक्सक्लूड दो CNICs और जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ओके, हाउ अबाउट दिस वन? मौली है। और ये? सर यही था सर, यही था बिल्कुल सर। पक्का? यस सर, इसने बोनट पे हाथ मार मार के गाड़ी रुकवाई। जी सर। कौन है ये? अभी पता करते हैं। मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन और CDR दोनों चाहिए। पीटर, टीम तैयार करो, मैं आपको कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ और एक पिक्चर भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। कम ऑन क्विक। ओके सर। कल तूने एक बच्चा उठाया था, नाम था हमजा शेख, गाड़ी मिली मलीर से, मुझे वो बच्चा चाहिए। क्या बकवास है ये? मेरा चाचा पुलिस इंस्पेक्टर है। तू मुझे जानता नहीं, मैं वैसे भी पार्टी का वर्कर हूं। कब कहां तेरी लावारिस? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगाना। बताता हूँ बताता हूँ, हम एक भाई दो बहने हैं। अच्छा अच्छा, हमने उसे रशीद को भेज दिया, रशीद यहीं पर डिफेंस पे होता है, उसका नंबर 030। छोटू, ये वही लोकेशन है जो बच्चे ने बताई थी, जाओ जाके रशीद को भी ले। बंधा रहने दो उसे कुर्सी के साथ सारी रात, कोई खाना पीना कुछ नहीं, और कल इसे गांव ले जाएंगे। ये तब तक वहां रहेगा जब तक इसकी सारी अकड़ निकल।
हाय, ये रशीद साहब का घर है? हाँ जी, यही है। एक्चुअली मुझे आपको मिलना पता है, बंगला नंबर 445। अच्छा, मैं देख लूँ। रशीद साहब ऊपर नहीं है? जी है, मैं आपको छोड़ाता हूँ। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। आप मेरे वालिद साहब को फोन कर लें, वो सैनिटर हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। अगले 30 मिनट में तुम्हारी इज्जत और आसपास का इलाका सारा सूज जाएगा। उसके 1 घंटे बाद तुम्हारा ये सारा इलाका सुन हो जाएगा। और उसके बाद चाहे तुम्हारा बाप वजीर आजम पाकिस्तान भी हो, तो इसको काटने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। छोड़ूंगा तो मैं तेरे को तभी जब हमजा मेरे पास हो। इसलिए तू बर्फ पे आराम से चल कर, मैं आता हूँ। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरा फोन दो, मैं भी बुलाता हूँ। चल कर, हम आते हैं, हम नमाज पढ़ के आते हैं, तुम चल कर। Bullshit! You're wasting your time with a cheap gangster. How much are they asking for to get Hamza back? यार, ये पैसे वाले लोग नहीं है, कोई पैसों की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। बेतुकी बात कर रहे हो आप, कोई भी मुफ्त में कोई काम करता है? लड़का चलो रही है। सब एवेन्यू के पास एक फ्लैट है, उसके 3rd फ्लोर पर हमजा है। कितने आदमी? 2। असला है? गाड़ी नहीं है। अच्छा, मैं तेरे को फोन देता हूँ, तू उसको कहलवा कि तू गाड़ी भिजवा रहा है, हमजा को रवाना कर दे। गाड़ी नीचे खड़ी है, जल्दी भेजो सर। Major Hassan here. Beta, you have been extracted and you are totally out of danger now. Just relax and your father is here. Hold on, main aapki baat karwata hoon. Like to talk to your son Hamza? What? Yeah. Hamza se baat kare. Sure. Ye le. Hello? Hello? Hello Hamza? Dad? You can see him on the screen. He's there. Are you okay Hamza? Main theek hoon Dad. Dad, lekin pata nahi main kin ke saath hoon Dad. They are friends. Hamza, they are bringing you back here. Just relax, Altaf Sahab. Congratulations. He's just on his way. Please relax. Just relax. Baithiye aap. Well, I may tell you, he's little knocked up. But thoda sa, he's not in good shape. It's okay. You're safe, beta. Yeah, we have a child here. He's in a pretty bad shape.
एंड हिज फिंगर्स बीन चॉप्ड एज वेल. जख्म काफी खराब लग रहा है. वी आर ब्रिंगिंग हिम इन. अभी खबीस आदमी है तू. बच्चा कौन है? और इन कुत्तों को भी साथ लेके आओ. You can't do that. That's cheating. Baba, this is why I never play with her, yaar. What do you mean it's cheating? Baba, I can do no, that, No, you can't. You just made that rule up yourself, yaar. Raju, learn how to act your age, yaar. No, you can't do it from the right. You can't do it from the right, but you can do it from the left, Azhar. Assalamualaikum. Bahut, bahut shukriya. Bahut shukriya. Aur beta, aap theek ho? I'm good, sir. Thank you and your people, sir. Thank you. Mashallah, very good. Bhai sahab, bas, we just came here to say thank you. आपने जो हमारे लिए किया है, I don't have words to thank you enough. I can never pay you back. आपने सिर्फ हमारे बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि हमारे सारे खानदान को टूटने से बचाया है. हम लोग बहुत तकलीफ में थे. बहन, no obligations are necessary. And बल्कि where are my manners? आप कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं जी, थैंक यू सो मच, बट वी विल टेक अप योर ऑफर सम अदर डे. बहुत थक गए हम लोग, अगर आप इजाजत दें तो. बिल्कुल, प्लीज आप आइए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज़. थैंक यू. शरी बेटा, आप कहाँ छुपे हुए हो? आ जाओ. از غستاب ما خدا سے وہی نا انہوں نے دم پورا شیر ہے. آج بھی ایک بندے کے اس نے منہ ماتا برابر کر دیا. It was spur of the moment. I swear, boss. Hi, Sherry. Hey, how are you? I'm great. I see you still kicking some ass, huh? You know me. Who the boss? Him, actually. So, boss. Good work, Sherry. کیسا ہے بچہ? Actually, I put him in the hospital. Poor soul was so sick and completely petrified. You know, उन्होंने पूरे 5 हफ्तों से उसे अपने पास रखा हुआ था. Can you believe that? Physically तो he is going to be okay, but mentally he is scarred for life. किस किस्म के इंसान हैं ये लोग? I'm telling you, boss, ये लोग इंसान हैं ही नहीं. You should give me some free hand. You should have seen his parents. ऐसा लग रहा था जिंदा लाशें चल रही हैं. We literally pulled them out of their graves, and of course, they want to see you and show you their gratitude tomorrow. 11 बजे बुला लीजिए. I'm gonna take off, boss. Sure. Should I? Sure. Okay. Bye. 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 सर जी, मैं भी चलता हूँ. सत्सरीकार. दे पामान. पमख दिखा. बाबा, इसे समझाएं, ये पागल हो गया. बेटा, अब दोनों को सीरियसली बड़ा होने की जरूरत है. Azhar, I have an amazing idea. Come with me. Come with me. आ जाओ. जी. Oh my God. चिल्ड्रन मार्केटिंग कर देगी. Sherry. क्या कर रही हूँ? What is wrong with you? Sherry. What? Will you marry my brother? What? Is he asking that? I swear to God, I didn't say anything. Come on, let's go. Uji, come on. I don't think so either. Uji, what is... Come on. Uji. Let him ask. Uji, aap pagal ho gaye ho. Aba, ye bilkul pagal ho gaye. Chal, aaja mera beta. Aaja na. Uske baad ye dono police station jaakar apne aap ko pesh karenge aur iqbal e jurm karenge. Aur isse इनको कम से कम 10 साल की कैद होगी. और अब नहीं, ये वकील को भी बता दो, कोई चालाकी वालाकी नहीं मानेंगे. तुम समझ गए? But you just can't let them go away. ये कभी वो नहीं करेंगे जो आप इनको कह रहे हैं करने. ये भाग जाएंगे भाई साहब. बहन, आप फिक्र ना करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ. रिलैक्स, रिलैक्स. और अलगा एक आखिरी बात, ये जो तुम्हारा शक्ल है ना, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद. तू समझा है ना? अपने लड़ी बर्नस को बता देना, अगर तेरे को 10 साल से पहले निकाला ना बच्चू, तो फिर हम तो है ना, तेरे को देख लेगा. अस्सलाम वालेकुम डैड. वालेकुम सलाम. डैड, टाइम हो गया है. बस ये किसी का कोई तोड़ नहीं है. Dad, I'm going to do it.
तू अपनी माँ की तरह आइडियलिस्ट है। डैड यू अग्रीड। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। आइडियलिज्म के बगैर तो कुछ भी नहीं है। डैड आपने अपना ख्याल रखना है। डू टेक योर मेडिसिन। आई डोंट वांट टू ब्रेक जेल। नो, आई एम अ टफ कोट। टेक केयर डैड। Good night. तो असद साहब आप कह रहे हैं कि आपने दो आदमी मारे हैं। आदमी तुझे शायद मैंने बहुत सारे मारे हैं, लेकिन इन दो के अलावा बाकी लाइन ऑफ ड्यूटी में थे। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, इस वाक्य की कोई FIR तो कटी होगी? नहीं। आई विटनेस? नहीं। उनके लवाहकीन ने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? नहीं, दोनों केसेस में नहीं है। इस सब के बावजूद आप कन्फेस क्यों करना चाह रहे हैं? इट्स द राइट थिंग टू डू। देखें असद साहब, कैन आई हैव सम डिटेल्स? हमको हमारा आग का बीज कण अब तक नहीं मिला। पाकिस्तान और चीन इस इलाके पर मिलकर डाके डाल रहे और हम ऐसा उन्हें नहीं देंगे। हम चीन को और पाकिस्तान को बताना चाह रहे कि हम क्या कर सकते। हम हर 24 घंटे में उनका एक एक बंदा काट कर उनके पास भिजवाएंगे। याद रखे वो। भेजती है। ओके, आई वाजंट स्नीकिंग आउट, आई जस्ट डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। Something wrong? You play with that thing when something's wrong. No, nothing is wrong. Everything is fine. रात के 2 बजे एक स्टूपिड फोन बजता है और मियाँ जी निकल पड़ते हैं। Yeah, it's pretty normal. बीवियों के लिए तो ये बहुत आसान है कि उसका हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, वो कब वापस आएगा, वो ठीक भी है कि नहीं, वो वापस आएगा भी कि या, ये सबके साथ होता होगा। इट्स नॉर्मल। Hey, I almost come back tonight. Because you are lucky so far. Yeah, I am lucky. I'm very lucky. And you know, I'm very jealous of this baboon. He gets more attention than I do. Yeah, because he's with me and you're not. You know, you're lucky she likes you. Otherwise, I would have kicked your butt. Yaar, I have to go. Main abhi aata hoon, don't worry. Asad, aap wapas kab aayenge? Oi, cockroach! Gentlemen, we have a hostage situation. उन्होंने चाइनीज को उठाया हुआ है। हर 24 घंटे में बंदा मार। The situation is unacceptable. Let's pay them a visit. We are doing Hilo. This is your target area. आप टैंकोस को राइट से फ्लैंक करेंगे और हॉस्टेजेस को सिक्योर करेंगे और यहां से आपको हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिट्रीव किया जाएगा।
किसी को कोई शक? नो सर। 7:30 10 मिनट में निकल रहा है, 5 मिनट में मैं तुम सबको टारमैक पे देखना चाहता हूं। सर। इधर रखे, कुछ फील हुआ? कुछ ग्रुप हुआ। देखा ना, he knows you. How do you know it's a he? मुझे पता है मेरा बेबी, हाथ तो पीछे करे, मेरा बेबी बॉय होगा और मैं उसका नाम असल रखूंगी। असल, असद, दोनों छोटा सा नेम, यूनिक सा। Okay, but you know अगर बेबी गर्ल हुई फिर मैं उसकी छोटी छोटी पोनीज बनाऊंगा। तो फिर हम उसका नाम क्या रखेंगे? मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। अरुज। You okay? इंसानों से प्यार नहीं।
बल्कि अपने पैसों से प्यारे। Bravo in position. Cherry, position. Alpha in position. फर्स्ट एड दवा दो। हाँ चीते। अस्सलाम वालेकुम सर। फिट है सर? तेरे शिकरों का क्या हाल है? सर दोनों को लगी हैं सर, हमने हॉस्पिटल में करवा दिया है, बट दे आर आउट ऑफ डेंजर सर। चल ठीक है, आई विल गो एंड सी देम एट सीएमएच सर। हाँ यार, वन थिंग मोर, यू शुड आल्सो गो टू द हॉस्पिटल। खैरियत सर? Your wife probably had a fall. Oh. Isse kya hua? Sir, she was in family. Okay, you go with her. Sir. Mainu mahi milya
फिर बिछड़ना जाऊं यार ते तेरे अंदर बसदा तेनू एवें भैन भुलेखे गुलाम फरीदा उठा की बसना जिथा यार नजरी बात सोच रही थी अब 12 तो नहीं बज गए 12 बजे क्या है तुम सोचती 12 बजे हो यह सुनने के नहीं क्योंकि ओके चलता मियां बीवी जो है ना वो घड़ी की दो सुइयों की तरह होते हैं okay. जब शादी होती है तो दे आर रियली क्लोज टू ईच अदर मगर वक्त के साथ साथ बच्चे जिम्मेदारियां काम तो वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं मिडिल एज में तो बहुत दूर चले जाते हैं जैसे 6 बज रहे हों मगर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां कम होना शुरू हो जाती हैं बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और वो बूढ़ा बूढ़ी दोबारा टुगेदर हो जाते हैं जैसे दोबारा से 12 बज रहे हों घड़ी में और मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ में हमेशा से 12 बजे रहे लेकिन पता है तुम्हें कुछ सरदार जी जीन्स है सही मैं ये बोतल उठा के सर में मारूंगी उसे कुछ नहीं होता पता है फौजी के सर में चोट लगने से कुछ नहीं होता तो फिर मैं गिट्टे पे मारूंगी ओए गिट्टा नहीं इस पे चोट लगती यादें तेरी आके मेरा मनवा जलाए तो की दुआएं तो है पिया को बुलाए तेरे बिना कैसे अब तन्हा हूँ मैं दर्द ये सारा कैसे तन्हा सहूँ मैं याद तेरी आई सारा सब्र भुला याद तेरी आई सारा सब्र भुला दर्द ये कैसे मैं छुपावा ये नैना असद आप ये ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली मैं यही ढूंढ रहा था थैंक यू यार असद आप मेरे बगैर कैसे रहेंगे मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा असद आपने कभी किसी को गोली मारी है यार देखें मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती मैंने तो मैक्सिमम जिंदगी में कभी किसी को आंख मारी और वो किसको आपको देख टेंशन नहीं खानी मैं सिर्फ टेबल के पीछे बैठ के पेन पुश करता हूँ सो यू रिलैक्स कुछ नहीं होता मुझे बाय टेक केयर और
वही स्पून वो जो उस डब्बे में। ठीक है भाभी। असद भाई आपको किसी वक्त भी कोई परेशानी हो आप प्लीज मुझे कॉल कर लें। ओके हैदर मुझे समझ नहीं आ रही असद भाई कैसे इतने छोटे से बच्चे का ख्याल करेंगे। कर लेगा यार उसकी बेटी है। मगर उनको बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो मुझसे पूछ रहे थे क्या ये नॉर्मल है इसकी आंखें क्यों खुली हुई हैं। उनका ख्याल था बच्चों की आंखें एक दो हफ्ते बाद खुलती हैं। वो समझ रहे कि शायद कुत्ते का बच्चा है। मेरा भी पहले वैसे यही ख्याल था। कुत्ते का बच्चा हद होती है हैदर। अरे यार इतनी छोटी बच्ची पहले कभी देखी नहीं ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट हमें बच्ची कुछ और दिन रख लेनी चाहिए थी हैदर। राइट नाउ बीइंग अलोन इज द वर्स्ट थिंग फॉर हिम। बच्ची होगी तो जहन इधर उधर नहीं जाएगा और वैसे भी बच्चा पालना कौन सा इतना मुश्किल काम है। अच्छा जी ऐसा तो अगला बच्चा आप पालेंगे। मतलब ये कि अगले बच्चे की तैयारी शुरू करें। हैदर बेटा जनरल साहब आए। आनी आपने नाश्ता कर लिया। I was in China when I heard the terrible news. दुआ तो यही की थी इसी के तेरी किस्मत मेरे से अच्छी हो मगर जो अल्लाह को मंजूर है हिम्मत कर। वैसे एक बात तो है बीवी खूबसूरत हो तो औलाद बड़ी खूबसूरत निकलती है। ये वैसे बात डैड दादा को भी पता होती ना तो। I'm very happy यार that you've got your wits about, huh? नाश्ता करेंगे डैड? हाँ यार I'm famished. आ बैठ। वैसे अकेला बच्ची को पालना कोई आसान काम नहीं है यार। डैड आपने भी तो अकेले बच्चा पाला था। पाला था बच्चा जी लेकिन देयर वर टू मेजर डिफरेंसेस। वन यू वर न्यूली बॉर्न द अदर दैट यू आर अ बॉय यार। वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड। डैड दैट्स थ्री ऑफ अस आप हैं मैं हूँ ये खातून है एक छोटी सी बच्ची हम पाल लेंगे। और यार मेरे पास तो टाइम है रिटायर हो जाऊंगा मैं तो। तू कैसे करेगा तेरे पास कहाँ से टाइम आएगा। आई वॉज थिंकिंग डैड के मैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दूँ ज़्यादा डिस्पोजेबल टाइम होगा। अच्छा अगर दोनों रिटायर हो गए तो फिर करेंगे क्या। सिक्योरिटी के अलावा तो हमें आता कुछ नहीं है। अच्छा जी ठीक है यार जो तू सोच रहा है करेंगे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ यार। डैड कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाए ना हाँ कि जो अल्लाह सारे लोग उठा लेता है इनको कहाँ रखता है तो एक ही रेड मारें और सबको वापस लें। यस दैट शुड सरप्राइज हिम। माँ को भी ले आना है। बेटा याद रखना मर्द को दर्द नहीं होता पता है ना तुझे। बाबा ने भी खबर चे दबल चा पकुर की जे कार कई तो खबर सुनु ब्या जोया स्टापलर यु डियर गैरतमन सड़ई द औ जदा वर्तन सम वाले जोय औ दा गिर तक को तली ब्या जे नसी कवले नो जका जबर सर कुमक कवल गाड़न मोरा
مور زتا سپار کون غاڑم مور زتا سپار س کون غاڑما زویا چې تا ګیر د کور ته ساتي ملال ساتي تا هم یو کومک دی زویا شا دا ګیر د خبر به وبات کې وکو زبس لارسن ته پامن زویا छोटू जनरल साहब कितने हैं सर बाहर खड़े सर अच्छा चलो जी जल्दी से हम लोग जाएंगे खुदा हाफिज़ आनी अस्सलाम वालेकुम डैड ओ वालेकुम सलाम यार वो सिगरेट खत्म कर रहा था गाड़ी में तो वो पी नहीं सकते ना क्या हाल है मेरे उज्जू का क्या बात है यार आज शेव शूट नहीं किए तूने डैड अभी हमें किसने देखना है ये सूद खोरों से कर्ज लेने जाना हो ना तो सूट शूट पहन के जाते हैं जैसे वो आते हैं सूट पहन के या कि सूट पहन के जैसा वो ओके डैड मैं इतने सिगरेट खत्म कर दूं मैं अभी आया और जो मेरा बेबी हम शूट करेंगे वेरी गुड इतना कम थोड़ा ज्यादा मैं पहले काम देखूंगी तुम्हारा फिर पैसे भी बढ़ जाएंगे ए तुम हमको दो फिर देखो बनाओगी आप ऐसा इसमें धागा भी है और मोती भी है ये इसका नक्शा है आप इसको देख के बनाओ फिर हम तुम्हारा काम देखेंगे ठीक है ये हम बनावे तो कैसे देवे पीछे गली में हमारा एनजीओ का दफ्तर है सब्स कलर का बोर्ड लगा हुआ है मेरा नाम बिल्कीस है वहीं पहुंचा देना या फिर ऐसा करो दो दिन के बाद मैं खुद आऊंगी और यहाँ से ले जाऊंगी दासा भाई फिर बोलो वो सर एक बीबी जी आए ने इंटरव्यू वास्ते अच्छा ठीक है उन्होंने भेज दो सर मूसा साहब भी आए ने यार फिर हम इस तरह करो ना पहले बीबी ने भेज दो जी जी सर फिर मूसा साहब सर मैं मूसा साहब से मिल लूं हाँ सर मैं बैग रख लिया ओ मेरे बीबी ओ मेरे बेटे को भूख तो नहीं लगी हैं हैं सलाम अलैकुम सर कैसे हैं सर अरे छोटू कैसा है यार बिल्कुल ठीक सर आप कैसे हैं ठीक ठाक और सुनाओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब सर सर ठीक सर नौकरी चल रही सर बस दो तीन महीने बाद रिटायरमेंट अच्छा तो क्या सोचा है रिटायरमेंट के बाद अभी तक तो सोचा नहीं सर आपको बंदों की जरूरत है यार अच्छे बंदे तो हमेशा चाहिए होते हैं मुझे तो बहुत बंदों की जरूरत है बस जिस दिन तूने फारिग होना है ना तूने बस सीधा इधर आ जाना ठीक है धन्यवाद सर ठीक है चाय पीनी है जी सर नन शीर्षा डी रिया दीजिए नेम खबर چپہ کم حال کی گئی پاپا کا آخ مجاہدین راغلی دی مجاہدین راغلی دی وہ سو کسان دی سلور پنزا کسان دی سلور پنزا کسان دی تا دوی کشینو زرازم سمد زرمینی وا زرمینی آن سوائی تا دیو سلور پنزا کسانو چای پخیه که زرازم سمد وام دا دباچه یانو ترخپل منز یو جنگ دی چی پر داغ خاور باندی پر داغ وطن باندی ومزما پر جوان ایت اثر نکی ایت پرک نلری که پر ما باندی زایر شاو کمرانی وکی او که یو رسای را باندی وکی زما با داغ جوان دی نادر شای جانا جهاد کول پر مجتوز طول پرز دی پا
فرض دی منم چې جهاد پر موږ تاسو باندې فرض دی زموږ پر ایمان زموږ پر مذهب باندې روسیانو عمله نه ده کړې نه کله یو روسی چاته درېدلی دی چې ته د خپل مذهب پرېږده زما مذهب ته راوا وام که چیرې داسې کار وسي اول مسلمان به زه یم چې وسله به راخم د دې روسیانو خلاف به جهاد کوم او که داسې ونه سي نو زه هېڅکله د روسیانو په خلاف په جنګ کې نه درېږم هو ته سر نه خلاصوې زما سر خلاص دی زما بچان د ما څخه ډوډۍ غواړي زما بچان د ما څخه ښه ژوند غواړي زه بخښنه غواړم تاسو چې هر څه کوئ پر خپله علاقه باندې پر خپل وطن باندې پر خپله مځکه باندې خپل اختیار لرئ سړی شیرشاه ماتلیش کې پریشان ښکاري ځوان او نوې وینه ده او بیا د خپل هېواد خواخوږی دی زه هم داسې یو سړی پزنم چې شیرشاه ورته سوی دی خو موږ به اوس د دې هېواده ځو له دې ځای ځو ولې یو ډېر لوی جنګ را روان دی زه د خپلو اولادو بربادي نه سم لیدلی تا خو ویل چې روسیان موږ ته سهم نه وایي نو دا لیونۍ وای ځنګل چې اور واخلي بیا وچ ناوده نه ګوري نو چیرې به ځو د دې جنګ څخه به لیرې ځو کراچۍ ته هلته به موږ څه کوو هلته به د دې جنګ د ختمېدو انتظار کوو بابا موږ کراچۍ ته ځو کېدلای سي زویه چې ولاړ بابا کراچۍ ښه ځای دی زما په خیال چې ښه ځای دی زویه ښه خبره خو دا ده چې هلته جنګ نشته کنې نجونې مکتب شته زما په خیال چې مکتب مکتب شیرشاه راسه کښېنه ناوخته سوله یا موره تاسو کلی سئ زه دلته کار لرم زویه ولې داسې کوې راځه کښېنه یا موره زه خپل د هېواده دا کفار باسمه بابکه تاسو کلی سئ په ما خمیشه
बेटा जल्दी से ये दूध पी लो। माँ बस आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर रख रही हूँ, आज नहीं भूलना। बाबा आपको इलेक्शन वाला पंगा नहीं लेना चाहिए, ये सब लोग बहुत घबरा। ये आगे कुछ नहीं करेंगे और ना कहीं जाएंगे, बस सीधे स्कूल जाएंगे, वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाएंगे और किसी से कोई फालतू सियासत पे बात नहीं करेंगे और ना ही इलेक्शन के ऑफिस जाएंगे, सीधा घर आएंगे। बाबा आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क है इन बुजुर्गों की वजह से हुआ है, जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो इनके लिए कुछ करें। जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे कैसे बदलाव आएगा, चीजें कैसे ठीक होंगी? अब दोनों मिलके क्या कर लोगे, बोलो क्या कर लोगे? ये जो दो वक्त की रोटी मिल रही है ना, इससे भी जाओगे। माँ आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता साईं चुपचाप बैठा रहेगा? उसके गुंडे मुस्टंडे हैं और पुलिस उसकी जेब में, और ना हमारे पास पैसे हैं इलेक्शन के। मेरा रिक्शे वाला होगा, मैं जाती हूँ। साई मैं जाऊँ? कुछ उठाया तो नहीं है यहाँ से? नहीं साई। उठाएगी भी तो कहाँ जाएगी? हाँ इलाके में बड़ी बेइज्जती हो रही है साईं, एक स्कूल मास्टर आपके खिलाफ खड़ा है। साईं हमको उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था। उसको नहीं मारना, नहीं मारना उसको, उसको मारेगा तो उसके दर्द का ढोल कौन पीटेगा? सिर्फ ताकत नहीं दिखानी होती, उसका ढोल भी पीटना होता है। इधर आ। बात सुन, इधर आ। ये झंडा तूने बनाया? साईं आपने कहा था झंडा बना दो, मैंने झंडा बना दिया साईं। मुझे? साईं मर्द की शान होती है साईं, साईं साईं कटवा देते हैं झंडे पर, फिर मर्द का क्या बनाना है? एक बात कहूं मास्टर, ये औरत से कमाई कराना अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी वकील है और आज तक दुनिया के किसी मुल्क जिसकी आधी आबादी घर पे बैठी हो इधर रख के नहीं की। बाबा ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ना, यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से इनके औरत घर से बाहर निकले जमाना खराब है।
तुम्हारी बहन नहीं आई अभी तक। अभी तक नहीं आई? नहीं। बाबा कहाँ? बाबा उसे देखने गए, उसने आज तक कभी इतनी देर नहीं की। खैर करे। अच्छा आप तो परेशान ना हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बैठा जा रहा मेरा दिल। बाबा अच्छा कहा, क्या हुआ? कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? बोलते क्यों नहीं, बोलो जवाब दो। वो वहाँ नहीं है। नहीं है? हाँ मैंने साथ वाले वकील से पूछा तो उसने कहा कि वो अपने वक्त से घर चली गई। आपने रिक्शा वाले से पूछा? हाँ मैंने पूछा रिक्शा वाले से, वो कहता काफी देर तक वहाँ खड़ा कर इंतजार करता लेकिन आयशा आई नहीं। साई के गुंडे मेरी बच्ची को उठा कर लेकर चले गए। अल्लाह मेरी मासूम बच्ची, अरे साई को मेरी बच्ची मिली थी। आप हटे, उससे मैं खुद पूछूंगा। थाने चलते, छोड़ो। थाने जाने से क्या होगा, वो ऐसे जो भी साई की जेब में है। रक्षे वाला जो भी कहे फिर भी जाएंगे थाने ही ना। अरे थाने जाने से कितनी बेइज्जती होगी, ये नहीं जानते तुम? हो सकता है मेरी बच्ची भी आ जाए। चलो बैठो पीछे, हम थाने जा रहे हैं। तो सीधी बात करें ना मास्टर साहब, वकील साहबा जवान है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था किसी से। तुझे सब पता है कि क्या हो रहा है? और सुबह रजब आया था हमारे घर। मुसा खान। जी सर। तो रजब से चक्कर था उसका। बकवास बंद कर। बच्चे बात करने की तमीज नहीं है तुझे? मैं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो किसी के साथ भाग गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आ गए हो बगैर वजह के इज्जतदार लोगों पर इल्जाम लगाने? मैं तो मामले की तह तक पहुंच गया हूँ। तेरी बहन का किसी के साथ चक्कर था और तूने उसे मार दिया है, और अब मैं तफ्तीश करूंगा। एसएचओ साहब आप रहने दे, हम खुद ही तलाश कर लेंगे। ऐसे कैसे छोड़े मास्टर साहब हैं? एक लड़की गायब हुई है, पता नहीं तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगा। देखो बेटा मैं खुद जाकर साईं से बात करता हूँ। चल बेटा। तुम्हें जिससे बात करनी है तुम करो, ये यहीं रहेगा जब तक मामला हल नहीं हो जाता। ऐसा साहब ये मेरा बेटा है, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। बस मास्टर साहब सरकारी काम में मदाखलत नहीं। मुसा खान लेके जाओ इसे। मास्टर साहब अब आप भी जाओ। क्या हाल है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? साईं के कुत्ते! तेरी इतनी हिम्मत, तुझ जैसे कुत्तों की वजह से कि वटेरे तनतनाते फिरते हैं। जुबान संभाल कर बात कर। तेरी तो जो हालत होने वाली है ना, पांव पकड़ेगी तू मेरे, भीख मांगेगी तू मुझसे। कमीने छोड़ दे मुझे, तुझे ख्याल नहीं आता कि तेरी बेटियों के साथ भी यही करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको दूसरों की बेटियां देता रहूंगा। अब तू साईं को ठंडा कर, बाद में देख तेरी अकड़ कैसे ठंडी करता हूं मैं। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाक किस दिया, हो वला हो वला। खुदा समझता है अपने आप को? तू तो
भाई बहुत खूबसूरत है, लोग तेरी तारीफ ऐसे ही नहीं करते। और गर्म भी बहुत है, मेरा बड़ा दिल करता है लोग मुझे बोले मलॉर्ड मलॉर्ड। बोलना जिस तरह तू अदालत में बोलती है मलॉर्ड। कौन है? साईं स्कूल मास्टर आया है, मिलना चाहता है। तेरा बाप आया है, उसे बोल मैं मसरूफ हूं। ठीक है साईं। सुबह आए। रुक, सुन के आ जाऊं मैं? सोनी अकड़ निकल गई है उसकी, फिर आके तेरी सिसकियां सुनूंगा मैं। बेटी, आपकी को बेटी है? सही सही, वो मासूम है सही, उसका कोई कसूर नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दे सही, छोड़ दे। मास्टर जी, मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? देखें, सियासत अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे इल्जाम नहीं। सही, मेरी बीवी भर जाएगी। सही, खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता। सही, क्या हो रहा है? इलाके में लोगों की मांएं बहनें महफूज नहीं है क्या? कर क्या रहा है ये SHO? बुलाओ उसे। मास्टर जी आप घर जाओ, और तुम लोग भी जाओ। जब तक मास्टर जी की बच्ची नहीं मिलती, कोई मेरे सामने नहीं आएगा। कुछ पता चला? कहाँ है मेरी आयशा? मेरा हसन कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? कहाँ है मेरी आयशा? कहाँ है मेरा हसन? ये मुझे वाले ऐसा क्यों कह रहे? क्यों कह रहे ऐसा? मेरे बच्चे, मेरा ऐसा बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते? मेरे बच्चे कहाँ है? कहाँ है मेरे बच्चे? सही हाजिर हो सकता हूँ? आओ आओ गुरू आओ। ये पहले मेरे पास आया था, इसका लड़का बहुत बकबक कर रहा था, मैंने उठा के अंदर डाल दिया। जब लड़की की लाश मिल जाएगी तो उसके कत्ल का केस डाल दूंगा। घुंगरू तो काफी समझदार हो गया, बड़ा अफसर बनेगा तू। ये बता, तुझे कैसे पता कि लड़की की लाश मिलेगी? साईं आपका नमक खाया है। चली गई मेरी बच्ची, चली गई मुझे छोड़कर चली गई। अल्लाह तुझे कितना बोलती थी, बोलती थी मैं सच का कोई साथ नहीं देता। झूठे सब झूठे यहाँ पर, धोखे दगाबाज, सच बोलने वालों की जीत नहीं है। देख तुझे सुला दिया मेरी बच्ची को, सुला दिया। अल्लाह, बोलती थी तुम्हें मैं, बोलती थी तुम्हें मेरी नहीं सुनी। देखो मेरी बच्ची चली गई, चली गई। अब क्या,
आंखें खोलो अस्मा, को डॉक्टर को बुलाओ अस्मा। आप यहाँ से चले जाएं और जाके अपने उसूलों की तस्वीर पढ़े। और हाँ मास्टर साहब, जब अपनी बेटी और बीवी को दफना दें तो अपने बेटे को भी दफना देना। मर गया मैं। तुम हमारे बगैर इलेक्शन जीत सकते हो? इस बार मुश्किल है। तो फिर तुम हो कौन? बाबा तुमने आम खाने हैं के नहीं खाने? ठीक है साई। तो फिर इलेक्शन के बाद मिलते हैं। चलिए जी ठीक है। बाहर लोगों का बहुत रश है, बस आपसे फारिग होते ही उनसे बात करूंगा। अब आप सीएम बनने की तैयारियां करें, रूठों को मनाएं और भूखों को हड्डियां डालें। जरूर जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्लियर मेजॉरिटी चाहिए। अब आप ये बताएं कि ये सब कैसे होगा? पैसे का इस्तेमाल, इख्तदार की लालच, ये काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, मगर मुझे आपकी पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होगी। और एक शर्त है, इम्तियाज इजाज साहब सीएम होंगे। इम्तियाज इजाज साहब ही सीएम होंगे, लेकिन आप ये बताएं कि ये काम कर सकेंगे आप? हमारा तो काम ही खिदमत करना है सर। साइकिल आपको इस पार्टी को ज्वाइन करना है। इसमें मेरा क्या फायदा है?
सही, आपका तो पहले ही फायदा हो चुका है। हमारे बगैर आप ये इलेक्शन जीतते नहीं। अगर आपको इस बात पर कोई शक है ना, तो हम इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन को देनी है, और जिस आदमी ने ठप्पे और मोरे लगाई थी वो गवाही दे देगा, और अगर अपने वादे पर कायम रहोगे तो आइंदा भी इलेक्शन जीतोगे, और अगर नहीं तो ये सीट तो हारोगे, और वादा खिलाफी की सजा भी कल। हाँ, फिल्में देखा कर है? सही एमपीए बन गए, शरबत पी रहे, वाह रे वाह, इतने बड़े जीवन सागर में तूने बात किस तान लिया। किसने दिया ये? बाहर एक बंदा दे गया है, सांप को तो बहुत जरूरी है। ऐसे मत पकड़ा कर चीजें किसी से, खोल इसको। ठहर ठहर जाओ। मसला क्या है? आप बात करें इम्तियाज से, हुआ क्या है? मैंने बात की है उससे, लेकिन वो नहीं मानेगा। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब नया कैंडिडेट देखेंगे जिस पर हमारे सारे लोगों को एतबार हो। 4 दिन रह गए हैं हमारे पास। तुमने पाले जिम कर लिया और तुम कह रहे हो सबसे बेहतर रास्ता यही था। बाबा ये कचहरी भी उनकी है, ये थाना भी उनका। हमें यहां से कुछ हासिल नहीं होगा, यहां सब डरते हैं, और कोई वकील भी हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। बस एक बार यहां से निकलना है हमें, एक बार। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, और वफादार रहूंगा कि मैं बहैसियत वजीर आला अपने फराइज ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला रगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा।
सब कुछ तुम्हारे हाथ में था तो ये जरूरत ही क्या थी पीछे हटने की? मैं अगर बताना चाहूं भी ना तो मैं बता नहीं सकता, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि मुझे इस गेम से निकालने वाला कौन है। कौन है? वही जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा ये शहीद होगा बेचारा। जा बता जोड़ो वे उमोश इस्तेमाल है ये नोट खला समझ पर खो निस्त बख्शे तर ठीक पाए जी कमला सुना कार कई बायची दागे बरख हम पक्षी ता तमा देर कार करे दे खोर दाता वाख दाता वाख बलट बेजा वाखम शाह जिजम और दोबारा बस पैसे हम रहा अरे कहाँ जा रही है? नाम तो बता दो। कहाँ जा रही है? बाकी है तेरी हो। God, where the hell is she? Zermina! She's slow. I swear. I know. Yusuf. I told you like 30 minutes ago to get me a glass of milk. Do you not understand? Get me a glass of... Can you please translate? Dude. He wants milk. Dude. Okay? Woman, do you get it? Dude. Go get I'm it. I'm going to be late. Take it. Yeah, تزما کومک وکا چې تر ما کور پورې ورسې هیڅ ما کوم نږدې دی ته درځه ما در داخل به تیر کړه دمې آیا یک منټ ये पुलिस ना तो शवाहद इकट्ठे कर रही है और ना ही हमारी आवाम गवाही देती है। ऐसा लगता है कि इस जुर्म में हम सब शामिल हैं। अब मैं क्या करूं? हमदर्दी सब मुझसे करते हैं। सबको यकीन है कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कर नहीं सकते। देखिए ना, जब तक वो सीएम है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अब उसके कारिंदों का भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उसे बेच दूं तो आपकी फीस अदा कर सकता हूं। मेरी फीस अदा करने से ये मसला हल नहीं होगा। जब तक सांप का सर ना काट दिया जाए तब तक उसकी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ती। सांप का सर काटना पड़ेगा।
सर, टारगेट से आउट ऑफ है सर, देख लो। मेजर साहब का स्टाइल है सर, दो बुलेट गर्दन में। हमने नंबर बनाने हैं, बंदा डाउन करना है, है? जी सलाम अलैकुम। और जी अगर आपने एनजीओ जाना है तो मैं ले जाता हूँ। सबाना बल सबा, कल ना परसों। ओ जी परसों मैं नहीं होना, जुम्मे जुम्मे को जुम्मा। तो सुमरा लवा नहीं सड़ाई कदल दखल गोवा के तुनु बिया। जाओ 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 खा लो। भाभी ये शौक से नहीं खाती, इसे मैं खिलाता हूँ, आप थक जाएंगे। असल भाई बच्ची को खिलाने से कौन थकता है। कंट्रोल टू रेवन, ओवर। रेवन क्लियर। सर काइंडली फोन पे आते हैं। ओके एक्सक्यूज मी। भाई आपने कुछ सोचा? किस बारे में भाभी? उफ़ असद भाई इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी? भाभी देखें फिर से नहीं होता ये मुझसे, चल रही है। हेलो के सीएम पे अटैक हुआ है। इज ही ओके? बच गए वो, सिक्योरिटी वाले बेचारे शहीद हुए। खुश रहे हो सारे तुम लोग बहन जाहिल नकारा। गांव के गरीबों पे बदमाशी दिखा सकते हो, शराब और औरत सप्लाई करने के अलावा और कोई काम आता है तुम्हें? तुम लोगों पर रहा मेरी सारी मेहनत बर्बाद होगी। और तुम, मुझे वो सदर वाली सिक्योरिटी चाहिए। सर वो फेडरल को मिल सकती है, प्रोविंसेस को नहीं मिलती सर। सीएम हूं मैं, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए। हमने सिक्योरिटी के जो प्रपोजल्स मांगे थे उनमें से कुछ लोग मिलने के लिए आ गए हैं सर। ठीक लोग हैं सर? रिटायर्ड एसएसजी के जनरल हैं सर, बहुत एक्सपीरियंस है। बुलाओ उनको। लेकिन सर उन्होंने पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं सर। क्या ये? सर वो ये कहते हैं कि उनको कुछ वेपन्स के लाइसेंसेस चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, और सर उन्होंने पूरे सीएम हाउस में सीसीटीवी की डिमांड की है। नॉट पॉसिबल सर, मैं भी यही कह रहा हूं। जहां आपके जो आपने सुइट बनवाया है सर और आपका ऑफिस है, वहां कुछ बातें भी होती हैं जरूरी जो कि सीसीटीवी में नहीं आनी चाहिए। वहां पर बिल्कुल भी कैमरास नहीं लगेंगे। बुलाओ इनको। जी सर। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटी। माय सन असद। तो आप लोगों को कैसे यकीन है कि आप लोग मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एसएसजी है सर, हम वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या पैसे लेंगे आप लोग? हम जरा महंगे हैं सर। वजह? हम समझते हैं सर कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, आपका क्या ख्याल है? मुझे जवाब पसंद आया आपका। एक साल का एग्रीमेंट, फर्स्ट 3 मंथ्स प्रोबेशन। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट्स लिखी है वो जरा पूरी कर लीजिएगा।
स्लाइटली चेंजेस होंगी बट अप्रूवल मिल जाएगा आप लोगों को. थैंक यू. यार असद, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट दिस यार. व्हाई डैट? ओ यार, बड़ा टैक्सिंग टास्क है, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होगा. और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फ्यूडल किस्म का चीफ मिनिस्टर है, इसको हम प्रोटेक्ट करके सही कर रहे हैं? डैड, ये सारे ही फ्यूडल हैं और लोगों ने चूज किया ना डैड. आप ये देखें, इट्स गुड मनी, इट्स अ हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट, हमें अपनी मर्जी की इक्विपमेंट मिलती है एंड वी आर प्रोफेशनल्स, दिस इज व्हाट वी डू. पॉलिटिक्स से हमारी क्या लेनी देनी डैड? पॉलिटिक्स से सबको लेना देना होता है बेटा जी. वी आर नॉट मर्सनरीज, ये हमारा अपना मुल्क है यार. अच्छा चल, तू अपना काम कर, मैं अरुज को लेके जाता हूँ घर. बोला क्या जशा सु? रमजान नहीं हूं, मेरा नाम नादर शाह है. ओ जी, ओ गलती हो गई. अब रमजान साहब कहाँ रहते हैं इस मोहल्ले में? किसी और मोहल्ले में होगा, मुझे मालूम नहीं है. ओ जी शुक्रिया. एक्सक्यूज मी सर, प्लीज अपना मेटल का तमाम सामान यहाँ रख दीजिए. इधर सब के सामने बाबा. सर, अपना तमाम मेटल का सामान यहाँ रख दीजिए. तुम्हारे सीएम का खास आदमी हूँ, अगर तू तावन करे ना तो प्रमोशन करवा दू. प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. छोरी, तुझको बोल है ना कि रजब ने तू आज तक हमें अपने बाप की बात. मेजर साहब, मेरे ऑर्डर्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि आप मेरे ही लोगों को पीटना शुरू कर देंगे. माफी मांगो उनसे. सर, इस वक्त जो आपके ऑर्डर्स थे वो ये थे कि कोई वेपन लेके नहीं आ सकता. अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वेपन लेके आए तो आप हमें बता दीजिए, हम इन्हें वेपन लाने देंगे. इस वक्त हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक काम किया सर. इस सवाल का जवाब मैं आपको सोच कर दूंगा, जाइए आप. थैंक यू. जी सर. साईं, इधर पिटाए. साईं, दर्द होता है. तो तू छोरी से पिटाए? साईं, वो आम छोरी नहीं है, मर्दों से भारी आता है उसका. साईं, पेंटे शर्टे पहनोगे तो फिर टेडी हो जाओगे. ओ की हाल है जी? ओ बड़े दिन हो गए, तुसी नजर ही नहीं आए. ओ नाराज जे लगदे हो, उस दिन तुम्हारे अब्बा जी सी. ओ तुसी ते नाराज ही हो गए हो. ओ मैं क्या, किधर मरी हुई तू? दो तीन दिन से धंधे पे नहीं आई, तेरे बाप का राज है. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार है. ओए, बुखार है ना? अच्छा, गरम है. शाम को 7 बजे अपनी जगह पे पहुंच जाना तू, सही है? वरना तेरी शक्ल की वो हालत करूंगा कि पहचान नहीं सकेगी खुद को. चलो. सुनो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं दवाई लूंगी. पैसे कोई ट्रक पे नहीं लगे होते, कमाएगी तो खाएगी. चल छोड़. कितने का है ये? 60 का है.
ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 50 ਕਰ 40 ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ जे जे को तसल्ली दे और कर दे आई जी को फोन उससे हमारा रब्ता शुरू हो गया है। मैंने कुछ सोचा है। क्या? चेन जितनी छोटी हो और जितनी जल्दी काट दी जाए उतना ही अच्छा होता है। हाँ, मगर वो जेल वापस नहीं गया तो हमारे लिए तो जेल के मसाइल खड़े हो जाएंगे। जेल से हमने निकाला था। नहीं तो फिर ये जेल वालों का मसला हुआ ना। अच्छा, इतना आसान है यहां से निकलना और उसे मारना? बोला ना, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। और तू तो जेल में था, तूने तो किसी को मारा ही नहीं। तू मुझे यहां से निकाल सकता है? हाँ, ये तो यहां रोज होता है, ये हमारा काम है। लेकिन मैं इतने बड़े आदमी को मारूंगा कैसे? गोली सबसे गुजरती है, प्लान हम तुझे देंगे। लेकिन वो क्यों? क्यों के तू अपना जिगर है, और अगर नहीं भी है तो क्या है, वो तो दुश्मन है ना। तो तू ये सब खुद क्यों नहीं कर लेता? खुद ही तो कर रहे हैं। तू तो अपना सिर्फ छोटा सा हिस्सा करेगा, बाकी तो हम कर रहे हैं। कल वडेरा एक मीटिंग में आ रहा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैं पीटीवी का कैमरामैन, ये तुम्हारा कार्ड, तुम ऑडियो रिकॉर्डर हो, ये माइक तुम्हारा जिसे तुमने उससे रिकॉर्ड किया। हाँ, बटन नहीं दबाना, इसमें पेन पिस्टल है और उसमें एक गोली है। जब इंटरव्यू लोगे तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, सामने ही होगा। अच्छा, अगर रसल पी टीवी वाले आ गए तो? उसकी फिक्र मत करो, उनका हमने इंतजाम कर दिया है, वो नहीं आएंगे। ये आपके लिए। जाओ, शुक्रिया।
क्या रोज इसी वक्त पे बिजली चली जाती है? पता नहीं बेटा, इसका कोई टाइम नहीं है, उसकी मर्जी है कब आए कब चली जाए। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। शायद हम सब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आकर ये सब कुछ ठीक कर देगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। बेटा तुम कैसे? मेरी बेल हो गई बाबा। बेल हो गई? जी। कैसे? किसने जमानत दी? वकील कौन था? कोर्ट ने तारीख कब दी? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने वकील करवाया। कौन सा दोस्त? वो मुझे जेल में मिला था। अच्छा। खैर बाबा, अब बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा ने इक्तदार सदा रहता है और ना इंसान, ये भी नहीं रहेगा। खैर मैं जा रहा हूं सोने, ठीक है? चले। माशरा खत्म हो जाता है जहां लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको कानून पसंद नहीं है, आप उसे तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसे हाथों में नहीं लिया जा सकता। जिंदगी भर मैंने इसी उसूल के लिए आवाज उठाई है, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने आखिरी सहारे की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। मोहसिन साहब, जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते, आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। आप लोग जहां कहेंगे मैं रुकने के लिए तैयार हूं। बस एक दरखास्त है आप लोगों से, मेरा बेटा बुरा नहीं है, जज्बाती हो गया है, उसे संभाल लीजिएगा। बस वो मेरा आखिरी सहारा है। एसएस, ये मेरे दोस्त हैं पाली वाला साहब, इनका एक मसला है। साईं, मेरा बेटा अगवा हो गया और जिन्होंने अगवा किया वो 8 करोड़ रुपया मांग रहे। अफसोस होता है मुझे, मेरा मुल्क कहां जा रहा है। पाली वाला, पुलिस को बोल देता हूं ना हिले सिफारशी, पता नहीं क्या कर दो, आपके बच्चे की जान को खतरा है। दूसरा ये है कि मैं भी इसमें पढ़ू। पैसों का बंदोबस्त करें आप,
मैं पता कराता हूँ कौन है। साई मैं 3 करोड़ तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हेलो, कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं पालीवाला साई, पालीवाला साहब, इनका बच्चा किसी ने अगवा किया, पता करा किसके पास है। ये कल 5 करोड़ रुपया लेके आएंगे। 5 करोड़ पकड़ लेता हूँ, वैसे बच्चे को छोड़ देना। शुक्रिया सर। आपने मेरे खिलाफ ही बता दिया। अगर तुम्हारे बाबा ना होते ना, तो अब तक तुम भी मर चुके होते। तुम्हारे साथी ने तो काम खत्म होते ही तुम्हें मारने का प्लान किया हुआ था। मुझे अब अपनी कोई परवाह नहीं है, बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, बस। बेटा तुम बात को समझ नहीं रहे हो, हर काम का अपना एक तरीका होता है। अभी कानून है बाबा, आप नहीं समझ रहे, यहां कोई कानून नहीं है। आप फिर से अपने कानून के पीछे लग गए। क्या वडेरे ने हमारी आयशा को नहीं मारा? क्या रजब ने इतने मासूमों की जान नहीं ली? क्या सबको नहीं पता क्या हो रहा है? तो सब क्या करें, अपनी बारी का इंतजार? बेटा कोई गवाही नहीं देता। अब कौन देगा गवाही? क्या करूं, मर जाऊं? तुम जेल जाओगे, इस मामले को देखते हैं। और अगर जो कुछ तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, तो तुम्हें सब मिलेगा, गवाही भी मिलेगी, वकील भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। सर यहां कुछ नहीं होगा। होगा, उसके बाद हमने मास्टर की छोकरी को मारकर नहर में फेंक दिया। अच्छी लड़की थी, पर मैं क्या करता, ऐसे एचओ को सब पता था। उसने मास्टर के छोकरे पर झूठा मुकदमा बना दिया, पर वो शोधा क्या करता, साई का हुक्म था। साई मेरी अपनी बेटियां हैं, अब दूसरों की बेटियों की जान बचाने के लिए मैं अपनी बेटियों को तो कुर्बान नहीं कर सकता। कौन बचाने आएगा मुझको, कौन मदद करेगा मेरी? ये पुलिस है या ये अदालत? कोई नहीं आएगा मुझको बचाने, मुझे अपनी मदद आप करनी है, ये भी मेरी तरह इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम 12 करोड़ लोग तो ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये चंद हजार एक्सक्यूज बनाया हुआ इन्होंने निजाम को। क्या करूं, छोड़ दूं इसको? सिखाएंगे, ये जो कुछ यहां बोल रहा है पुलिस स्टेशन जाकर बोले, अदालत के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, अनाउंस योर वर्डिक्ट। तुम्हारे पास 15 दिन है, 15 दिनों के अंदर अंदर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो लगता है कोई एजेंसी वाले थे। एक तो इस मुल्क में पता नहीं है कौन कौन। मेजर साहब ये क्या है? सर मुझे पता नहीं है, बहरहाल ये हमारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आज से हैं, आप इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? ठीक है सर, लेकिन सर हम गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट और किसी इलीगल एक्टिविटी में इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों का फायदा क्या है फिर? सर वी आर अ कंपनी, वी ऑपरेट अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, हम मशीनरीज तो नहीं है।
نو دا شپانه به خپل پسونه همیشه په ځنګل کې ګرځول. یو ورځ څه وسو چې دا شپانه په ډوډۍ کښېناستئ. یو لیوه رالی د شپانه یو پسه یوړئ. شپانه خو نو په دې نه و خبر. شپانه چې کور ته ولاړئ چې پسونه شمار کړل د شپانه یو پسه کم و. شپانه ډېر فکر واخیست خو بیا یې سوچ وکړئ چې شاید دا یو پسه چې دی هغه هلته په غره کې پاته شوی دی. نو په دا بله ورځ چې دی دا شپانه بیا ولاړئ په غره کې پسه پیدا کړئ پسه نه شو پیدا. نو دا شپانه چې دی بېرته په ډوډۍ کښېناستئ هغه لیوه مخته شو بېرته رالی بل پسه یې ځینې بوتلی چې بل پسه یې بوتلی. شپانه چې دی په دې پوسه چې دا زما پسونه یو څوک وړي. شپانه څه وکړل د پسه پوستې په ځان واغوستئ په کولنګ یې اندځان کوي او په پسو ګډ شو. نو دا لیوه چې رالی پسو باندې چې حمله وکړله شپانه کولنګ راواخیستئ دا لیوه یې په ووژئ. کیسه ولاړه پورته زه رالم کور ته. السلام علیکم. چینی 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 بچه په کیسې دې خوند واخیستئ؟ هیله کوم چې خوند به دې واخیستئ. ملالی ملالی پورته سه یو شی وخوره. ته ډېره کمزور یې دانې بیرا نه سي. इस मौसम में जो अंडर पास तुमने बनाया है उसे गुजरना मत, पानी खड़ा हो जाता है। सही वो मेगा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? तू बहुत कम दे रहा है मुझे। सही वो बचते ही कुछ नहीं है। हाँ अगर वो 500 फ्लैट वाली स्कीम मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। वो प्रोजेक्ट मैं तुझे नहीं दूंगा। तेरी कंस्ट्रक्शन से लोग मरेंगे। अब वो सर जी पाकिस्तान में लोग कम हो गए हैं क्या? स्कैंडल बनता। सर जी यहाँ कोई जल्दी वल्दले नहीं आने हैं। अब 8-10 साल तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी। 10 साल में न जाने आप कहाँ होंगे मैं कहाँ होऊंगा। 2-4 हजार लोग मर भी गए तो क्या है सर। ये कौन थी? सर घर में एक अफगानी औरत काम करती है। मेरे ख्याल शायद उसी की लड़की है। मैंने तो पहली बार देखा है सर। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी आज पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगी मैं। वाह जी वाह, बड़ा मी पेंड है। जी आ जाओ तुसी मैं ले जाना। नहीं बेटा हम खुद ही जाएगा। ओ जी आप डरो नहीं, मैं आपको कोने से रिक्शा ले आ देना। नहीं बेटा हम जाएगा। ओ जी नहीं बारिश हो रही तुसी केवे जाओगे? मोरा राजेश चिवलाड़ सु ए मखिम बाबा से मिलाओ सवई दे राजेश। नहीं नहीं पीछे हटो। आ जाओ बैठो। खैर है, खामोश बैठे हैं। तबीयत तो ठीक है ना सही? पुराना गोश्त नहीं खाऊंगा अब मैं, नया गोश्त चाहिए मुझे।
सही, ये तो अच्छी बात है, शौक है अपना अपना। मेरा बिल्डर दोस्त नहीं है? जी सर, उसके घर एक पुरानी औरत काम करती है, उसकी बेटी है। एक नौकरानी के लिए इतना दिल छोटा? कल आपके कदमों में होगी, बस आप हुक्म करें। कर दिया ना हुक्म? हो गया सही, हो गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, किधर ले जा रहे हो? सब तो चोरी नहीं के सब। मेरे गाने मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर जाने का कोई मसला है तो मैं खुद लेकर चलता हूँ। मैं कैसे जाऊँ साहब, आप कुछ करो। हाँ, तफ्तीश दोबारा ठीक से शुरू करो। साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, साहब साहब एक मिनट, आप जहाँ बोलोगे हम जाएंगे आपके साथ साहब। हाँ भाई मूसा, क्या हाल है? सर सब सेट है सर। डांस जा रही है? नहीं सर, आज कुछ हुआ ही नहीं, लगता है शरीफ होगा। अच्छा चल फिर, चल कर। जी सर। वो जो लड़की थी ना आपने बताई, वो मैं ले आया हूं। ले आया है? हाँ सही, लेकिन सही मर्जी से नहीं आई है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इसमें तो और भी मजा है। जा। सही। आप लोग जाएं, मैं बाद में मिलूंगा आप लोगों से। चलो साहब तुम्हें बुला रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, माँ बात कर लेगी, आ जाओ। बख्शिए नजर आजम। आ जाइए, आपकी वाला बुला रही है। यहाँ क्या कर रही हो? उसने बोला वो आदमी। काफी प्यारी हो। कौन आदमी? वो आदमी। इधर आओ, मुझे बताओ ना, इधर आओ। छोड़ो हमको। अच्छा ओ, छोड़ो हमको, छोड़ो हमको, बचाओ बचाओ बचाओ। पागल तुझे नोटो में करेगी बचाओ। यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं। इधर आ बचाओ। जरा बात सुन मेरी,
लेट इधर। किधर किधर? तेरे नसीब खुल गए हैं। बचा बचा। लिपस्टिक छोड़ो हमको। फिर बचा। लेट इधर। बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे यहाँ। बचाओ। कर। बस। पीछे कर इसको। बस। इधर है। कमा फरिश्ते न उड़े दासी बना वो समय मात पकार भाई शिमाब अस्पताल के लकड़ हुए زخوتات پریشان ولم زرمینی بس بس تی دختر دوباره چوبس وام پدیک استایت خلیتی میس زبست پتال تلرز ما ملال تبردودی بام رسوام یا تبرنتی زب خبال زد नहीं सूसु सूसु लेवा नहीं जरा गलेम ची तास टोल कले तबोजम उस द कली आलाच सी दिया गशदी तास खपल सामान टोल के दबान दी ड्राइवर वाला आड़ अब्दुल्ला तो दी वर सब कली था जोई तना से ले मुझे सरम मोर्ज मायो कार अगर कौन दर्जम जोई मक्का वदासी राजा खपल वतन तलारसी मोर दर तुम वाल दर्जम ती वर्स मन मोरा यार के मन में छुपाया तन लूटा मन लूट न पाया इश्क
एक की मिट्टी आग पकी रो, ये दर्द का भैरो राग चुकी जो, दिल के हाथों से छूट ना पाया, दिल के हाथों से छूट ना पाया, तन लूटा मन लूट ना पाया। हद नहीं इसकी इश्क है ये सरहद नहीं इसकी, जितने लफ्ज हैं वैसे रो लो, सुनता है बोलो ना बोलो, मन ही मन मूसा साहब को क्लियर करें। हम चादर और चार दीवारी की हिफाजत करेंगे। हम मगर हमारी औरतें चार दीवारी के अंदर महफूज रहेंगी। मेरे 10 o'clock पे लास्ट रो में एक आदमी खड़ा है, लंबे बाल है, दाढ़ी है, अरबियों वाला पट्टू है, उसको जरा चेक करें। कंट्रोल, ये डीएसपी साहब बैठे हैं? जी सर बैठे हैं। अच्छा, इनसे कहें ये जरा मुझसे मिलके जाएंगे। ओके सर। उस दिन आप ये
दो पश्तो स्पीकिंग खवातीन के साथ आए थे, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? यही नीलम कॉलोनी में रहती हैं। इन लोगों के बारे में जो कुछ भी आपको पता है, कोई एड्रेस, कोई नंबर, कोई पत्र, इस पे लिख दें। देखो तुम इनके घर पे थे तो मैंने, जानते तो होगे ना, ये काफी सीरियस मामला है। जो कुछ जानते हो सच सच बता दो। ओ सर जी, ये लड़की मुझे अच्छी लगती है सर, पर ये अचानक गायब हो गई है, मुझे बस इतना ही पता है सर। कहाँ मिली थी तुम्हें ये? ओ सर जी, वो मैं यूएन वालों के साथ काम करता हूँ ना, ओ जी उनकी ब्रांच है उधर, वहीं मिली थी सर। मर्द? मतलब घर में मर्द कितने हैं? बाप, भाई, शोहर? और सर जी एक बूढ़ा बाप है बस। और सर जी ये ठीक तो है ना? यार ये मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, मूसा साहब को क्लियर कर दें। सर मूसा बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन आया हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। मूसा? क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम? हम तुम्हारा मौत। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? क्या बात है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। उस दिन जो पठान लड़की का साथ तुमने ज्यादती किया, उस दिन तुमको मौत से डर नहीं लग रहा था? क्या बात कर दी भाई, मैंने तो सारी जिंदगी अवाम की खिदमत की, इसको तो साइड पे कर, आओ बैठो बात करते हैं, कोई गलतफहमी हुई? आओ बैठो। तब मौत से बहुत डर लग रहा है। खुदा हाफिज। इसकी तो रामसादा, तेरी बहन सीएम के पास आई थी, खुश होना चाहिए इस बात पे। कुत्ते की मौत मर, अब बड़ा आया गैरतमंद। वाह मेजर, यू आर द बेस्ट। हाँ सर। हमारा लाश को हमारा अपना वतन में दफनाओ, ये हमारा ख्वाहिश है। तो खैर दी,
आपका बेटा एक बहादुर आदमी था। स्थासुई चुवा घटेर बहादुर इंसान। वो अपनी जमीन पे सोना चाहता था। दागा ख्वाहिश चु अगवल चीज़ा कलमर समाप खपल के लिए तरस हुई। हम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। मुझ दद आखिरी ख्वाहिश पूरा कबूल पर रगली दिले। चल बैठ जा जल्दी। चलो मुनीर बैठ जा जल्दी बैठ जा। सर मैं नहीं आना। क्या मतलब मैं नहीं आना? सर तुसी साहब नु कह दो मैं घर नहीं आना। तू घर नहीं आएगा तो तू इत्थे रहेगा? सर ओही कुड़ी है। पर तेनू तो पसंद आ लफ्ज नहीं आंदा। तू दे नाल करेगा की इत्थे? सब सीख लावांगे पंजाबी वे ते सीखिए। तुसी बस साहब नु कह दो मैं नहीं आवांगा। एसएस चल यार। तुसी ए मेरा वेपन रखो मैं नहीं आना घर। सर ओ मुनीर कह रहा सर उन्हें इत्थे रहना। इत्थे रहना? जी सर। क्यों? सर ओ किसे कुड़ी दी कोई गल है सर। बुलाए नो ओ मुनीर साहब। जी सर। और तू वापस नहीं जाना? नहीं सर मैं वापस नहीं जाना। तुसी ए भी रख लो सर। ਓਏ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਰੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਕੰਮ ਆਣ ਗਈ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਆਈਏ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਜੀਏ। ਚਲਾ ਜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂ ਤੋ ਆਪ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੱਖ ਲੈਂ। ਤਾਜ਼ਵਾਨ ਜ਼ੂਈ ਖੜ ਲਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਜ਼ੂਈ ਚ ਦੀ ਪਖਪਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। आपके रिवाज के मुताबिक मैं आपको एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी अगर आप ये कबूल करें। दार असमन युसम तोहफा मदर की दाम अज़ाब कबूल कर। चंगा फिर रब रखा। ओ मेहरबानी सर। हाय साहब अस्सलाम वालेकुम। और रब रखा। खुश रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ था मैं अकेली रह गई। शोहर का मकान था। बेवकी में दोनों बच्चों को पाला था पढ़ाया। कुछ अरसा पहले कुछ लोगों ने पूरा इलाका खरीदना शुरू कर दिया कि यहाँ हम प्लाजा बनाएंगे सिवाय घर के और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। मैंने बहुत मना किया तो मेरे बेटे को उन्होंने बहुत मारा और डराया। मैं डर गई। मैं अपने घर से भी बेदखल हो गई साहब। मैं पुलिस के पास गई। पुलिस ने भी ना सुनी। अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अखबार वालों के पास गई। उन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया। 15 दिन हो गए मुझे मेरे बेटे की खबर नहीं। मेरा बच्चा मुझे चाहिए था। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया। पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं।
वजह है आ सपने जो अपनी जगह है जान से ज्यादा खर्चाया घर अपने तब नाम लगा है रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भाग न होता है घर जाग न हो उससे पहले एक हौसला जाग न होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास दीवार के और कोई दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है मंजिल तक सोच के आए सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो